चांद और सूरज एक साथ शाम को 5 बज रहे हैं और चांद और सूरज एक साथ दिख रहे हैं। क्या आप लोगों की सिटी में ऐसा दिखता है? मुझे बताना जरूर, मैं ऐसा फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, इस पहाड़ के पीछे ही है नीलकंठ मंदिर, हमारे घर से 25 किलोमीटर दूर है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज है ऋषिकेश में मेरा पहला दिन, एंड पहला दिन नहीं बोलूँगी, पहली शाम बोलूँगी, क्योंकि सारा दिन काम कर करके थक गई। तो घर भी पूरी अच्छे से सेट नहीं हुआ है, क्योंकि टाइम लगेगा अभी। एंड अभी किचन का हाल आप देख रहे हो, जो जैसे वैसे है, तो धीरे धीरे करेंगे। और वो मनी प्लांट वहाँ पर छोटा सा लगा है, वो मेरा बॉटल जिसमें मैं मनी प्लांट रखती थी वो टूट गया रास्ते में, तो अभी मैंने किनले के बॉटल में रख रखा है। तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड जज मत करना कि उसमें रखा है। अभी बज रहे हैं शाम के 6:15, और अभी मैं दूध को बॉइल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि दूध 11 बजे का ही बॉइल्ड हुआ है, तो मैं रख देती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी राजमा के लिए, तो मैं राजमा भिगो के रखी थी, तो अभी राजमा बनाऊंगी। एंड बस अभी राजमा बनेगी, तो अभी चलिए देखते हैं। अभी राजमा को मैं बॉईल करने के लिए रखूंगी, और इसके बाद बॉईल करते हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ मैंने राजमा को कुकर में रख दिया है। कुकर में राजमा एंड पानी और नमक रखा थोड़ा सा मैंने, ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए। और लड्डू इसमें मेरे गोद में आ गया, तो अब कुछ नहीं कर सकती, इसको गोद में भी रखना पड़ेगा। और अभी लड्डू का दूध पीने का टाइम हो गया है, तो इसको जल्दी से दूध दे देती हूँ। तो अभी मैंने उसको लड्डू को दूध दे दिया है, और दूध वो पी रहा है, उधर अपने आप पी लेता है, मैं बॉटल में उसको डाल के दे दी हूँ। अभी यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है एक साइड, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइड दूध गर्म हो रहा है और एक साइड कुकर चढ़ी हुई है। अब किचन थोड़ा सा मेस्ड अप है, थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में क्योंकि किचन या घर सेट करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि दूसरी सिटी में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। एक एक चीज़ें ध्यान से देखनी पड़ती है, हालांकि मैंने ध्यान से रखा है सब चीज़ें कहाँ पे क्या है, लेकिन अभी एक एक चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। और धीरे धीरे सब कुछ मैं बाहर अरेंज करूँगी। अभी तो कपड़े भी जैसे तैसे निकाल के रख दिए हैं, अभी उसको अरेंज करना है, बहुत सारे कपड़े धोने के लिए हैं। और ऐसे ही मैं धीरे धीरे छोटा छोटा ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, एंड कोई कमी लगे तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि ब्लॉगिंग में मैं बिल्कुल नई हूँ और मुझे ब्लॉग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप लोगों को ही बताना पड़ेगा, आप लोगों को ही मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो चलिए थोड़ा सा मैं पूजा वूजा कर लूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। राजमा बनाना दिखाऊंगी मैं, राजमा कैसे बनाती हूँ, चलिए हम फिर बात करते हैं। तो पूजा के बाद अभी मैं राजमा बना रही हूँ, और राजमा मैं बहुत कम मसाले वाला बनाती हूँ, क्योंकि अभी लड्डू भी खाता है। तो मैंने कुकर में मस्टर्ड ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया, इसके बाद मैं अजवाइन डालती हूँ। राजमा में अजवाइन डालने से वो खट्टी वाली डकारे होती है ना, नहीं आती है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हो बता देना। इसके बाद मैंने 2 तेज़पत्ते तोड़ के रखे हैं, और तेज़पत्ता रखने से टेस्ट अच्छा आता है। और क्योंकि अभी सर्दी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हींग डाला है। वैसे मैं राजमा में हींग नहीं डालती, खाने में हींग और गरम मसाला को मैं अवॉइड करती हूँ, बट अभी सर्दी आ गई है तो थोड़ा हींग डाल रही हूँ। और ये अच्छे से थोड़ा सा पक जाए, इसके बाद मैंने 3 प्याज, छोटे छोटे साइज़ के थे इसलिए 3 प्याज मैंने मिक्सी में पीसा था। और इसको मैंने फाइन एकदम पेस्ट नहीं बनाया, मीन्स थोड़ा सा दरदरा टाइप का ही है। और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, मीन्स गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भुनेंगे। और जब ये गोल्डन ब्राउन तक भुन जाएंगे, इसके बाद हम जो मसाले डालते हैं उसको डालेंगे। और इस प्याज के साथ मैंने लहसुन की 2-4 कलियां भी पेस्ट में डाली है। और इसके बाद देखिए अभी भुन रहा है, और जब अच्छे से भुन जाए, यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन हल्का हल्का हो चुका है, और इसमें मैं सबसे पहले नमक डाली हूँ, ताकि जो प्याज है ये गलने लगे आसानी से।
इसके बाद मैं इसमें हल्दी डालूंगी और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं मोस्टली घर में ही बना लेती हूँ, घर में ही पीसती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा आता है, प्लस क्लीन भी रहता है। और इसके बाद मैं हल्का सा लाल मिर्च डालूंगी, क्योंकि मैं अभी राजमा बनाई हूँ इसलिए लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं करती, क्योंकि लड्डू को खिलाना पड़ता है। और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। लड्डू मेरा 1.5 साल का बेटा है, अभी 1.5 साल का भी नहीं हुआ है, तो जिनको पता नहीं है उनको बता दूँ, सोचेंगे लड्डू कौन है। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, अच्छे से भून रही हूँ, और जब ये भून जाए तो मैंने यहाँ पे टमाटर भी मिक्सी में पीस लिया है, टमाटर का पेस्ट बनाया है, टमाटर एंड थोड़ा सा अदरक का, और इसको पेस्ट बना के मैं अच्छे से इस मसाले में डालूंगी एंड इसको भी भूनूंगी। जब ये अच्छे से भून जाए, मीन्स मसाला तेल छोड़ दे, बर्तन से मसाले अलग हो जाते हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, तो तब हम डालेंगे अपना बॉइल्ड राजमा। राजमा मैंने पहले ही बॉइल्ड किया था, तो अच्छे से मैं बॉइल्ड कर लेती हूँ, तो वो अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है। अब राजमा डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। और राजमा में ध्यान रखना है कि हम लोगों ने पहले ही नमक डाल रखा था, उबालते टाइम भी और बनाते टाइम भी नमक हिसाब से रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको कर ली हूँ एंड कुकर अभी बंद करके मैं जस्ट 2 सीटी अभी मेरा राजमा लगाऊंगी। बन चुका है, अभी मैं बनाने जाऊंगी रोटी। आटा मैंने लगा रखा है, रोटी बनाऊंगी। और अभी तो 7:30 बज रहे हैं, तो शायद 8:30 तक हम लोग खाना खाएंगे। और अभी एक ही लाइट जल रहा है, तो वहाँ वहाँ लाइट अभी बाकी है, इसलिए थोड़ा सा शायद अंधेरा लग रहा हो, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना इसमें। तो चलिए मिलते हैं रोटी बना के। तो यहाँ पे मेरा राजमा बनके तैयार हो गया है। मैंने इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाला है। धनिया के पत्ता से राजमा बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिर्ची इसमें बिल्कुल नहीं दिख रही है, बट अगर आपको मिर्च डालना हो तो आप डाल सकते हो ज़्यादा। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30, और आज बहुत टायर्ड हूँ मैं, और अभी मुझे सोने जाना है। तो बर्तन वर्तन भी मैंने कर लिया है, किचन ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया है, और सुबह के लिए थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ, पता नहीं सुबह कब उठूँगी। और बस, तो ये छोटा सा ब्लॉग था आज का, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। आप लोग मुझे ब्लॉग में देख के बताना कि मेरे ब्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो तो वो भी बता देना, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड हाँ, प्लीज़ अपना सजेशन मुझे देते रहना, और इस ब्लॉग के बारे में आपका क्या ख्याल है ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में या न्यू ब्लॉग में। और इसके साथ ही इस चैनल पे भी आप सभी बने रहना। बाकी मेरे 2 चैनल है, लाइफ विथ रितु एंड नेचुरल DIY, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, और इसको भी सब्सक्राइब करना, और तीनों को अच्छे से देखना, मुझे तीनों चैनल के लिए सजेस्ट करना मुझे क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।